बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में इससे पहले दो वीडियोज में हमने आपको एस्परजिलस और पक्सीनिया बताया था। अब इसमें एल्ब्यूगो या सिस्टोपस नामक तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। क्या होता है एल्ब्यूगो? पहले हम बता चुके फर्स्ट वीडियो में, जितने भी आप फंजाई पढ़ोगे सभी लगभग हानिकारक होंगे अगैरिकस को छोड़कर। तो ये एल्ब्यूगो क्या है? एक ऐसा फंगस है जो हमारे क्रूसीफेरी फैमिली के प्लांट्स में बीमारी उत्पन्न करता है। इसकी लगभग 30 जातियां पाई जाती हैं, सब इसमें है। आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर के डाउनलोड करके पूरा स्टडी कर सकते हो। ये एंडोफिटिक पैरासाइट होता है जो क्रूसीफेरी फैमिली की पत्ती पर अटैक करता है। क्रूसीफेरी में कौन आ गए? अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्रूसीफेरी फैमिली क्या है? देखो, इधर हमने आपको फिगर बनाया, इससे आप समझें। हमने कहा कि क्रूसीफेरी फैमिली के सदस्यों जैसे सरसों, मूली इत्यादि प्लांट्स पर बीमारी उत्पन्न होती है। अब जैसे मान लो ये इन फैमिली की किसी एक की लीफ है, क्रूसीफेरी की मान लो, सरसों मान लो, इसकी लीव्स पर सफ़ेद वाइट पस्यूल्स के रूप में आपको बीमारी के पस्यूल्स मीन्स चकत्ते दिखाई देंगे, और उस जगह पर एल्ब्यूगो नामक पैथोजन होगा। पैथोजन मीन्स एक प्रकार का फंजाई जो हमारे इसमें बीमारी उत्पन्न कर रहा है। इसका माइसीलियम, आप माइसीलियम जानते ही होंगे, इस तरह से माइसीलियम होगा, फिर इसमें स्पोर्स होंगे। एंडोफिटिक होता है, होस्ट के अंदर ही होता है, और ये दो अवस्थाओं में पाया जाएगा। ये आपकी हो गई पहली एसेक्सुअल स्टेज, ये कहाँ पर होगी? पत्ती पर। और दूसरी जो सेक्सुअल स्टेज होगी आगे, अभी आपको हम बता रहे हैं, वो होगी इसके इनफ्लोरीसेंस पर, पुष्प क्रम पर। ठीक, ये सेक्सुअल स्टेज होगी, इसमें कोनिडिया बनेंगे। सेक्सुअल स्टेज इनफ्लोरिसेंस पर होगी। देखिए क्या रीजन होगा, जैसे ये हाइपरट्रोफाइड पेडेंकल हो जाएगा, ये पिस्टिल, पेटल्स, स्टैमेंस, सेपल्स, बहुत इनका आकार अनियमित हो जाएगा और ये सेक्सुअल स्टेज कहलाएगी। तो सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा आपसे कि एल्ब्यूगो की एसेक्सुअल स्टेज बताइए या एसेक्सुअल साइकिल बताइए, या सेक्सुअल स्टेज या सेक्सुअल साइकिल। तो ये हमने आपको बताया कि सेक्सुअल स्टेज इनफ्लोरिसेंस और एसेक्सुअल स्टेज लीफ पर होगी। अब देखो इसमें रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में आपने यही लिखा है दो प्रकार का होगा, अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल स्टेज ऑन लीव्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल स्टेज ऑन फ्लावर्स। तो ये सेक्सुअल स्टेज पर आते हैं हम। इसमें लीव्स अभी हमने बनाए दिखाई थी इस तरह के वाइट पेस्टिल से होता हुआ, हम वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो उसमें कोनिडिया इस कोनिडियोफोर पर विकसित होते हैं, और जैसा हमने कहा था इसका माइसीलियम एंडोफिटिक होता है। देखो इसकी होस्ट सेल के बीच बीच में, देखो कहाँ तक ये पूरा सब चट कर जाता है इसका मास, और इसीलिए उस जगह का स्थान खोखला दिखाई देता है सफ़ेद कलर में चकत्ते। ये होस्ट एपिडर्मिस है, इधर उधर ये और ये होस्ट सेल्स। तो ये कौन सी स्टेज है? ए सेक्सुअल स्टेज और एसेक्सुअल स्टेज में जो कोनिडिया थे वो ये हैं। मतलब एसेक्सुअल साइकिल या एसेक्सुअल स्टेज को हम साइकिल के डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, जैसे पूछा जाए तो ये क्या है? एक हमारा कोनिडियम, जिसमें सबसे बाहर एग्जाइन, फेरेंटाइन, बीच में केंद्रक और इस बीच में साइटोप्लाज्म।
ये हमारा एक स्वतंत्र कोनिडियम। ठीक, इस सेक्सुअल स्टेज में लिखोगे कि इस सेक्सुअल स्टेज कोनिडिया द्वारा संपन्न होती है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया द्वारा संपन्न होता है, जिसमें कोनिडिया का अंकुरण दो प्रकार से हो सकता है, पहला इनडायरेक्ट जर्मिनेशन और दूसरा डायरेक्ट जर्मिनेशन। एक तो सीधे ये अंकुरित हो सकते हैं, कब, जब कंडीशन ड्राई होगी। ड्राई कंडीशन में ये नमी एब्जॉर्ब करेगा और जर्म ट्यूब बनेगी, और जर्म ट्यूब बनने के बाद ये कोनिडिया होस्ट स्टोमा में प्रवेश कर जाएगा और इससे होस्ट स्टोमा में पहुंच करके न्यू सिनोसिटिक इंटरसेलुलर माइसीलियम विकसित करेगा। कैसे? डायरेक्ट जर्मिनेशन में। और इनडायरेक्ट जर्मिनेशन में क्या होगा? इनडायरेक्ट जर्मिनेशन में जब नमी होगी तब इसमें संपन्न होगा, ये इसमें चेंजेज होंगे और इस कोनिडियम में ये देखो एग्जाइन है जैसी उसमें थी, ये इंटाइन, कहने का मतलब ये आकार में बड़ा होगा और ऊपर एक एपिकल पैपिला बन जाएगा और इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म 5 से 7 पीसीज में, ये आपने लिखा भी है, 5 से 8 पीसीज में डिवाइड होकर के बट जाएगा और प्रत्येक भाग से एक जूस पोर बनेगा, हमने लिखा भी है फ्यूचर जूस पोर्स। फिर क्या होगा देखें, अब जब जूस पोर बन जाएंगे तो ये स्वतंत्र होकर के अलग हो जाएंगे और प्रत्येक जूस पोर में 2 फ्लैजेला होंगे, एक विप्लेस जिसमें ये हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है वो टेंसिल कहलाएगा, और जिस जो स्मूथ होगा वो विप्लेस। 2 टाइप्स के इसमें फ्लैजेला होंगे जूस पोर्स में, ये लिखा भी है हमने, ए फ्री जूस पोर। ये एंसिस्टमेंट करेगा, एंसिस्टमेंट मीन्स अपने आकार में आकार को गोलाई में कर लेगा और ऊपर से एक मोटी कवरिंग हो जाएगी। ये जब कंडीशन फेवर होगी तब अंकुरित होकर के इस तरह से होस्ट स्टोमा में जाकर के पहुंचकर माइसीलियम का निर्माण करेगी। इधर अब देखो एक पूरा साइकिल हो गया, इधर से लाए इनडायरेक्ट जर्मिनेशन, डायरेक्ट जर्मिनेशन, बनना क्या है सिनोसिटिक और इंटरसेलुलर माइसीलियम। ये आप लिखेंगे अलैंगिक चक्र एल्ब्यूगो। अब ये जो हमने अभी समझाया इसकी थ्योरी, इसके बाद देखते हैं सेक्सुअल साइकिल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ये एक यंग ऊगोनियम बनेगा, यंग ऊगोनियम, और इसी के पास एंथिरिडियम विकसित होगा। ये हमने लिखा है, जो बोल रहे हैं वो सारी चीज़ें हैं, चेंजेज होंगे, डेवलपमेंट होगा, डिवीजन होगा न्यूक्लियाई में, और इसका केंद्रक कई भागों में बट जाएगा ऊगोनियम का, एक एंथिरिडियम होगा और इन दोनों के बीच में एक ट्यूब बनेगी, कॉन्जुगेशन ट्यूब, और इस एंथिरिडियम का केंद्रक इस ऊगोनियम में इस कॉन्जुगेशन ट्यूब द्वारा इसका न्यूक्लियस आगे को इसमें चला जाएगा। और एक चेंजेज और होगा इसमें ऊगोनियम में, इसका प्रोटोप्लाज्म 2 भाग में बट जाएगा, बाहर का पेरिप्लाज्म और अंदर का ऊप्लाज्म, ये हमने नोट भी किया है इधर। अब देखें इसमें ये इस तरह से जो हमने पूरी अभी वहां पर बताई थी, इसका जो ऊ स्पोर न्यूक्लियाई होगा इसमें से ऊ स्पोर न्यूक्लियाई मेल न्यूक्लियाई द्वारा
फ्यूज्ड होकर के जाइगोट न्यूक्लियस बनाएगा। इस जाइगोट न्यूक्लियस से डिवीजन में या जाइगोट न्यूक्लियस के डिवीजन द्वारा इसमें म्यूजूस्पोर्स बनेंगे और म्यूजूस्पोर्स अंकुरित होकर के फिर से नया माइसीलियम बना लेंगे। ठीक, ये रहा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके बारे में ये लिखा है। अब देखें इधर इसका, ये दूसरी स्पेसीज में है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सिस्टोपस कैंडिडस, किसी एक में याद कर लो, सभी में सिचुएशन वही है। इसका उगोनियम का प्रोटोप्लाज्म दो भागों में बटा, उप्लाज्म और पेरिप्लाज्म, इससे मेल न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन ट्यूब द्वारा पहुंच करके जाइगोट न्यूक्लियस बनाएगा और फिर ये क्या लिखा है, डिसअपीयरेंस ऑफ सिनोसियम बैदरिंग एंथीडियम ट्यूब फॉर्मेशन ऑफ एग्जाइन एंड राइट पेरियन, ये सब म्यूजूस्पोर्स में विकसित हो करके फिर से नया माइसीलियम बनाएगा। तो ये रहा सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो जो हम बोल रहे थे है ये उस्पोर न्यूक्लियस या जो जाइगोट बना था, इसमें विभाजन हुआ और कई सारे हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बने। ये हैप्लॉयड न्यूक्लियाई डेवलपिंग म्यूजूस्पोर्स बनेंगे। ये जूस्पोर्स स्वतंत्र होकर के क्या बनाएंगे, पहले सिस्ट और ये होस्ट स्टोमा में जाकर के अंकुरित होकर जर्म ट्यूब बनाएगी और उससे नया इंटरसेलुलर सिनोसिटिक माइसीलियम बनेगा। मतलब उस्पोर्स से पहले के आपके फिगर्स उधर हैं और थ्योरी बीच में दे दी हमने, उसके बाद ये जो हम कंटिन्यूएशन में बोल रहे थे जो शेष फिगर थे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप लोग इकट्ठे बना सकते हो, लेकिन जिस चीज़ को जहाँ लिखते हो वहीं पर देना ज़्यादा उचित है। तो ये रहा आपका सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सिस्टोपस। बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा।